मैं डॉक्टर संगीता सक्सेना, प्रिंसिपल गवर्नमेंट महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर टेक्सटाइल डिजाइन के सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल के विषय कोड TD-123 के टॉपिक सेकंड टाइप्स ऑफ यार्न के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न की कड़ी को जारी रखते हुए आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स यार्न, नॉवेल्टी यार्न के बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि यार्न क्या होता है और यार्न को उनके बनाने के आधार पर किस तरीके से उनको वर्गीकृत किया गया है। तो सिंपल यार्न के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज मैं कॉम्प्लेक्स यार्न, नॉवेल्टी यार्न क्या होता है और उनकी उपयोगिता क्या है उसके संदर्भ में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसा कि कॉम्प्लेक्स यार्न है, कॉम्प्लेक्स यार्न दो या दो से अधिक तरह के फाइबर के द्वारा निर्मित धागे को हम कॉम्प्लेक्स यार्न या नॉवेल्टी यार्न कहते हैं। यहाँ पर देखें, इन दिस सिस्टम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर यूज फॉर मेकिंग द यार्न बाय ट्विस्टिंग एंड स्पिनिंग, यानी कि डिफरेंट तरह के फाइबर को ट्विस्टिंग और स्पिनिंग के द्वारा तैयार किए हुए धागे को ही नॉवेल्टी यार्न, कॉम्प्लेक्स यार्न कहा जाता है। इस तरह के धागे में सामान्यता दो या दो से अधिक स्ट्रैंड या धागों को मिलाकर धागा तैयार किया जाता है और इस यार्न का प्रयोग सामान्यतः सरफेस इफेक्ट की सुंदरता, डेकोरेशन के लिए किया जाता है, निर्मित किया जाता है। इसमें बेस्ड यार्न का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो कपड़े, वो जो धागे की मजबूती को बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें सामान्यतः तीन तरह के धागे का प्रयोग किया जाता है जो क्रम से बेस यार्न या कोर यार्न कहलाते हैं, दूसरा है इफेक्ट और तीसरा है बाइंडर यार्न। जो बेस और कोर धागा है यह कपड़े के स्ट्रक्चर, धागे के स्ट्रक्चर एवं उसकी मजबूती को बनाए रखता है। तो देखा आप लोगों ने, इट इज कॉमनली कंसिस्ट ऑफ टू और मोर स्ट्रैंड, दीज यार्न आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड डेकोरेटिव सरफेस इफेक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन द पर्पस ईच स्ट्रैंड इज रेफर टू एज द बेस, कोर, इफेक्ट और बाइंडर। द बेस कोर स्ट्रैंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया होगा। ये जो तीन धागे इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं वे है बेस यार्न जिसे कि कोर यार्न कहते हैं, दूसरा है डिजाइन यानी कि इफेक्ट यार्न और तीसरा है बाइंडर यार्न जो कि इन दोनों धागों को आपस में बाइंड करने का काम करता है। यहाँ पर ये धागा आप देख रहे होंगे, ये जो धागा है ये कोर और बेस यार्न है जो वर्टिकल है। ठीक है, और जो इसके अंदर लूप फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैक कलर का है, ये है इफेक्ट यार्न, यानी कि धागे में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जो धागा हम यूज करते हैं वो होता है इफेक्ट या डिजाइन यार्न। और जो बेस यार्न और इफेक्ट यार्न को बाइंडिंग करने का काम करता है वो है बाइंडर। ये देख रहे हैं, ये दोनों धागे को आपस में बाइंड करने का काम करता है। तो ये रहा तीनों धागे, तीनों तरह के धागों से निर्मित जो धागा है वो है कॉम्प्लेक्स यार्न। लाल ने भी इस चीज को बताया है यहाँ पर कि थ्री प्लाई कॉम्प्लेक्स यार्न कंपोज, यानी कि जो ये तीन प्लाई जो धागे होते हैं वो बेस यार्न, इफेक्ट यार्न और बाइंडर यार्न द्वारा कंपोज होते हैं। सामान्यतः बेस यार्न का जो प्रयोग होता है वो उनकी लंबाई और उनके स्थायित्व को प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है और जो इफेक्ट यार्न है वो सामान्यतः इसका प्रयोग धागे में डेकोरेटिव यानी कि आकर्षण युक्त बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कपड़े में लूप्स प्रोवाइड करना, धागे में लूप्स बनाने के लिए और उसमें नॉट इफेक्ट देने के लिए। और इससे द्वारा जो फैब्रिक निर्मित होता है वो काफी सुंदर और अट्रैक्टिव होता है। बाइंडर यार्न का प्रयोग जो दोनों यार्न होते हैं, बेस यार्न और इफेक्ट यार्न, इन दोनों को बांधने के लिए, बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जिस हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स और नॉवेल्टी यार्न होता है वो डिफरेंट तरह की क्वालिटी और डिजाइन में प्राप्त होता है जिससे कि धागे की सुंदरता
और उसकी एस्थेटिक वैल्यू बढ़ती है और साथ ही इससे निर्मित कपड़े की जो सुंदरता होती है वो काफी अच्छी होती है, यानी कि अलंकृत और अट्रैक्टिव होती है। हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ नॉवल्टी यान हैं जो किस प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है स्लब यान। स्लब यान जो होता है वो पूरी लंबाई में, धागे की पूरी लंबाई में थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसके अंदर थोड़ा थिक प्लेस होता है। इस थिक प्लेस के कारण ही इसे स्लब यान कहा जाता है, उस एरिया को स्लब कहा जाता है, इसलिए इससे निर्मित धागे को स्लब यान कहा जाता है। देखिए यहाँ पे द यान हैविंग फिक्स साइज थिक प्लेसेस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्लब यान। जो धागा होता है उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो थिक स्पेस होता है और इसी धागे को स्लब कहते हैं, जो इसका थिकर पार्ट है वो स्लब कहलाता है। ये जो है सिंगल प्लाई या मल्टीप्लाई में भी इस धागे को निर्मित कर सकते हैं, बनाया जा सकता है। सामान्यतया इसका प्रयोग शर्टिंग, ड्रैपिंग और अपोस्टरी फैब्रिक के लिए इस धागे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस धागे को, ये रहा स्लब धागा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे थिक पोर्शन है इसका, यहाँ पे फिर थिन पोर्शन है, फिर ये थिक है और ये थिन है। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर थिक और थिन के द्वारा धागा तैयार किया गया है। और चूंकि ये जो मोटा पोर्शन है जो उठा हुआ है, इस ये पोर्शन स्लब कहलाता है, इसलिए इस धागे को स्लब कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लैग धागा। ये फ्लैग धागा, इसके अंदर जो धागा होता है उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर कलर और चमकदार धागे का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ये फाइबर जो है इसके अंदर जो फाइबर होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी कलर्स और लस्टर्स का प्रयोग किया जाता है, और ये दोनों का भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये धागा बनाया जाता है, जिससे कि स्पॉटेड और शॉर्ट स्ट्रिक की अपीयरेंस इस पे उत्पन्न होता है, इसका प्रभाव उत्पन्न होता है। इन दिस टाइप ऑफ यान वन यान मोर ट्विस्टेड देन द अदर। जो ये प्लाई धागा होता है उसमें एक धागा दूसरे धागे की अपेक्षा अधिक ट्विस्टेड होता है, यानी कि इसमें ऐठन ज्यादा होती है। तो देखा आप लोगों ने फ्लैग धागा क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइबर ऑफ आइदर डिफरेंट कलर और लस्टर और बोथ आर इंट्रोड्यूस इन द यार्न, यानी कि इसमें जो कुछ पोर्शन जो होता है फाइबर का वो डिफरेंट कलर और लस्टरस होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे जो फ्लैग यान है वो देखिए आप यहाँ पर, ये तो प्लेन में है, फ्लैग यान दिखाया गया है। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि इसमें जो है छोटी थोड़ी थोड़ी ये जो फाइबर दिख रहा है ना, इसमें कलर और शाइनिंग है, लस्टरस है, तो इससे निर्मित जो धागा है वो फ्लैग धागा कहलाता है। नेक्स्ट आता है स्पाइरल या कॉर्कोस्क्यू। दीज आर प्लाई यान इन विच वन प्लाई इज डिफरेंट इन कलर ट्विस्ट साइज एंड फाइननेस फ्रॉम द अदर। ये प्लाई यान होता है और इसमें जो एक प्लाई होता है वो दूसरे प्लाई के कलर ट्विस्ट साइज और फाइननेस में डिफरेंट होता है, अलग होता है। अ प्लाइड यान इन विच वन यान रैप अराउंड द अदर। जो एक प्लाई होता है वो दूसरे प्लाई के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। यान अलग होने के बावजूद भी इनके ट्विस्ट और टेंशन समान होता है, एक समान रखा जाता है। स्पाइरल यान गिव्स हायर ट्विस्ट देन कॉर्कोस्क्रू यान। जो स्पाइरल यान होता है वो कॉर्कोस्क्रू यान की अपेक्षा इसमें ट्विस्ट ज्यादा दिया जाता है। स्पाइरल यान यूजुअली हैज अ थिनर यान रैप्ड अराउंड अ थिकर यान। जो स्पाइरल यान होता है वो थिकर कोर यान के थिनर यान द्वारा चारों तरफ उसके रैप्ड होता है, लिपटा हुआ होता है। इसके जस्ट अपोजिट देखें जो कॉर्कोस्क्रू यान होता है वो सॉफ्टर और बल्कियर यान होता है, और ये थिन यान के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। तो ये रहा स्पाइरल और कॉर्कोस्क्रू यान। इसमें जो है कि स्पाइरल और कॉर्कोस्क्रू यान को यहाँ पे देखेंगे आप कि एक धागा ये है और इसके चारों तरफ जो है ये धागा जो कलर्ड यान है वो किस तरीके से इसके ऊपर लिपटा हुआ है चारों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है रैटिन यान। ये स्पाइरल यान के समान ही होता है,
थ्रेड हैज बाउंडेड एज अ स्पाइरल अराउंड द ग्राउंड प्लाई यार्न, जो ग्राउंड प्लाई यार्न के चारों तरफ यह स्पाइरल यार्न लिपटा हुआ होता है, लूप फॉर्म इन इंटरमिटेंटली। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ इसके अंदर, जो इसके अंदर लूप फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस ना होकर थोड़ी थोड़ी दूरी यानी कि इंटरमिटेंट ऑर्डर में होता है। और इसमें एक चीज और है कि एज द पॉसिबिलिटीज ऑफ पुल्ड आउट ऑफ द लूप, लूप के खिंच जाने की संभावना को देखते हुए इसमें कभी कभी लूप हट जाता है, खिंच जाता है, जिसके कारण इसका अट्रैक्शन जो सुंदरता है वो खत्म हो जाता है, और इसका प्रयोग सामान्यतः फर्निशिंग फैब्रिक के लिए किया जाता है। लूप कर्ल और बकल यार्न, नेक्स्ट आते हैं हम इस पे। ये भी जो है थ्री सेट्स ऑफ प्लाई यार्न के द्वारा निर्मित होता है, बनाया जाता है। ये थ्री प्लाई यार्न कौन कौन से होते हैं, कोर यार्न, इफेक्ट यार्न एंड टाई यार्न, यानी कि इन तीनों धागों से मिलाकर ये धागा बनाया जाता है। और इसमें जो होता है कि लूप फॉर्मेशन होता है, और इसी लूप को जो है कि हम क्या कहते हैं, बकल या लूप कहा जा, लूप बनाया जाता है। इसमें जो इफेक्ट यार्न है उसके द्वारा धागे पर लूप का फॉर्मेशन होता है। इन दिस यार्न द इफेक्ट यार्न इज टाई विद कोर यार्न विद द हेल्प ऑफ बाइंडर यार्न। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो कोर यार्न होता है उसके चारों तरफ जो इफेक्ट यार्न है उसके द्वारा इफेक्ट दिया जाता है लूप फॉर्मेशन में, और बाइंडर यार्न के द्वारा इसे बाइंड किया जाता है, जिससे कि धागे के सरफेस पर लूप कर्ल या बकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा बकल यार्न, लूप यार्न। यहाँ पर कपड़े के सरफेस पर आप ये देख रहे हैं कि लूप फॉर्मेशन, धागे के सरफेस पर लूप फॉर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ पर बीच बीच में ट्विस्ट है, यानी कि जो बेस कोर यार्न है उस पे जो इफेक्ट यार्न के द्वारा कहीं कहीं पे लूप उठाए गए हैं और कहीं ट्विस्ट है इसके अंदर, और बाइंडर यार्न के द्वारा बंधा हुआ है जिससे कि धागे की मजबूती प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है नॉट या स्पॉट यार्न। The ply yarn in which the effect yarn is twisted around the base yarn to produce a thicker area or a bump is called knot or spot yarn. इसमें भी ply yarn का प्रयोग किया जाता है, और जो effect yarn है वो base yarn के चारों तरफ twisted होते हैं, और इसमें कहीं कहीं पर thick portion होता है। इस thick area को ही हम bump या nub या knot कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि ये जो है जो धागा है ये ट्विस्टेड है, और इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे अधिक ट्विस्टिंग के द्वारा जो मोटा पोर्शन बनाया गया है, जो ये एरिया है यही नॉट या नब या बम कहा जाता है। तो ये धागा कंप्लीटली जो है अधिक ट्विस्टेड होता है, और इस पोर्शन को ही जो है क्या कहते हैं इसके अंदर स्पॉट बम्प या नॉट होता है। This twisted process causes bump or knot to appear at interval along the length, पूरी लंबाई में जो है कि ये धागा थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही इसके अंदर स्पॉट या डम जो है बम्प प्रोवाइड किया जाता है, और यह डिफरेंट कलर और शेप में होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः एप्रल और फर्निशिंग फैब्रिक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रैंडल यार्न। ग्रैंडल यार्न दो या दो से अधिक डिफरेंट कलर्स के धागे को मिलाकर ट्विस्ट देकर तैयार किया जाता है, ऐसे धागे को ग्रैंडल यार्न कहा जाता है। ये धागा अधिकांशतः एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी, और जहां पर ऐसे कलर्ड यार्न की आवश्यकता होती है वहां पर इस तरह के धागे का प्रयोग करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेच यार्न। आर्टिफिशियल कृत्रिम विधि द्वारा निर्मित ये थ्रेड होता है, इसमें एक हीट सेटिंग के द्वारा और एक निश्चित तापमान पर हीट सेटिंग के द्वारा इसके जो आकार है और इसकी क्वालिटी को निश्चित कर दिया जाता है, और इसे स्ट्रेच करने के बाद यदि हम छोड़ दें तो ये पुनः अपने आकार में परिवर्तित हो जाता है, आ जाता है ओरिजिनल शेप में आ जाता है। क्योंकि ये हीट सेटिंग के पश्चात ही इसकी आकार और शेप को निश्चित किया जाता है, और इसकी ये अच्छी क्वालिटी होती है कि ये स्ट्रेचेबल होता है, क्योंकि इसको हम जो शेप एक बार फिक्स कर देते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसमें किसी भी तरह इसकी क्वालिटी
और स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे इसकी ड्रैपिंग, वॉशिंग और रबिंग में। पूर्णतया केमिकल द्वारा निर्मित और सिंथेसाइज मेथड के द्वारा निर्मित होने के कारण इस धागे को सिंथेटिक यार्न भी कहा जाता है। ये धागा डिफरेंट क्वालिटी और डिजाइन में बनाया जाता है, जैसे कि लूप यार्न, कर्ल, नॉट, स्पाइरल और स्पॉटेड यार्न। इस तरीके के धागे से अधिकांशतः फ्री टाइप के फैब्रिक या वस्त्र निर्माण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे हम ग्रैंडल यार्न, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, दो या दो से अधिक कलर के धागों को मिलाकर इस तरीके का धागा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि आप डिफरेंट कलर के यार्न को मिला के बनाया गया ट्विस्ट देकर। यहाँ पर ये है डिफरेंट कलर की येलो और ऑरेंज के धागे से मिला के बनाया गया है। यहाँ पे भी आप टेक्सचर्स इफेक्ट देख रहे हैं, तो ये भी डिफरेंट कलर के धागे को मिलाकर बनाया गया है। और ये रहा स्ट्रेच यार्न। स्ट्रेच यार्न नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यानी कि स्ट्रेच करने पर जो धागा स्ट्रेच होता है, फैलता है, वही धागा कहलाता है। लेकिन स्ट्रेचिंग के बाद पश्चात तो ये अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। यही इस धागे की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, तभी इस तरह के धागे से अधिकांशतः फ्री साइज के फैब्रिक का निर्माण किया जाता है, जो हर प्रकार के जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए यह उपयोगी होता है। नेक्स्ट आता है टेक्सचर यार्न। टेक्सचर यार्न स्ट्रेच यार्न का फर्दर डेवलपमेंट है। इसे नायलॉन यार्न के द्वारा स्पेशल मेथड से तैयार किया जाता है। इस तरह के धागे की इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, रिजिलेंसी कैरेक्टरिस्टिक इत्यादि काफी अच्छी होती है। यानी कि जो ये धागा होता है, इसकी प्रत्यास्थता, कोमलता, मजबूती और इसकी प्रतिस्कंदता इत्यादि बहुत ही अच्छी होती है। यह धागा चमकदार, अट्रैक्टिव और फाइन, स्मूथ एवं कोमल होता है। अर्थात ये धागा चमकदार, आकर्षक युक्त और बारीक कोमल होता है। इस धागे की सर्विसेबिलिटी, कार्य क्षमता, स्टोरेज जो रखरखाव है और सफाई इत्यादि काफी अच्छी होती है। अतः सर्विसेबिलिटी, स्टोरेज, क्लीनलीनेस और वेरीजिंग। इस धागे की जो एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी लो ऑब्जर्वेशन यानी कि इसकी जो अवशोषण क्षमता होती है वो कम होती है। पिलिंग, क्रीज रेजिस्टेंस, शेप रिटेंशन, यूनिफॉर्मिटी और वेरी अदर क्वालिटी और अदर क्वालिटीज ऑफ दिस यार्न। इस यार्न की अन्य क्वालिटीज क्या है, क्योंकि इसमें जो होते हैं पिल्स वगैरह नहीं उत्पन्न होते हैं। क्रीज रेजिस्टेंस यानी कि इसमें सलवटें नहीं आती हैं। शेप इसका एक बार जो निश्चित कर दिया जाता है वो अपनी उस आकारधारिता उसकी बनी रहती है, समानता रहती है इसकी। तो ये क्वालिटी इस यार्न की काफी अच्छी होती है और यह एक तरीके से थर्मोप्लास्टिक फाइबर भी क्वालिटीज कही जाती है। ल्यालने के शब्दों में टेक्सचर यार्न हैव रियली ब्रॉट न्यू डायमेंशन टू बोथ वुवेन और निटेड फैब्रिक। अर्थात वुवेन और निटेड फैब्रिक के लिए टेक्सचर यार्न काफी उपयोगी और काफी अच्छा माना जाता है। टेक्सचर यार्न को जो निम्न तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, वो है टेक्सचर सरफेस सेट यार्न, दूसरा है स्ट्रेच यार्न, तीसरा है बल्क टाइप यार्न। स्ट्रेच यार्न को पुनः दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, कर्ल टाइप यार्न और क्वाइल यार्न। बल्क टाइप यार्न को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्रिम्प यार्न, लूप टाइप बल्क यार्न। ये जो इनका वर्गीकरण है वो उनके निर्माण प्रक्रिया के आधार पर तथा उनकी क्वालिटी के आधार पर ही रखा गया है। टेक्सचर यार्न को हम देखेंगे, टेक्सचर सरफेस सेट यार्न ये क्या है। इन दिस मेथड सरफेस ऑफ द फैब्रिक इज मेड मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। इस मेथड के अंतर्गत फैब्रिक की सरफेस को अधिक अट्रैक्टिव और सुंदर बनाया जाता है। इस यार्न के द्वारा आवश्यकता अनुसार हीट सेटिंग के द्वारा उनकी आकार धारिता धागे की वो निश्चित की जाती है, वो अपनी उसी अनुसार रहता है, फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेच यार्न। इट इज अ वेरी यूजफुल यार्न, ये काफी उपयोगी यार्न होता है। इसके द्वारा होजरी और फ्री साइज के फैब्रिक का निर्माण किया जाता है।
जो स्ट्रेच यार्न है वो दो तरह के मैंने पहले बताया था. पहला है कर्ल यार्न. कर्ल इज प्रोड्यूस्ड इन फिलामेंट यार्न बाय स्पेशल हीटिंग मेथड, यानी कि विशेष हीटिंग विधि द्वारा फिलामेंट यार्न में कर्ल प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है. सामान्यतः इसमें हौजरी और रिबन के लिए प्रयुक्त होता है. नेक्स्ट आता है क्वाइल यार्न. यार्न मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्विस्टिंग एंड हीट सेटिंग, यानी कि ये यार्न हीट सेटिंग और ट्विस्टिंग विधि द्वारा बनाया जाता है. बाय हीटिंग इट इज फॉर्म इनटू क्वाइल शेप, हीटिंग के द्वारा इसमें क्वाइल शेप बनता है. नेक्स्ट आता है बल्क टाइप यार्न. इट हैज मास पर यूनिट, यानी कि जो इसकी जो मास है यानी कैपेसिटी है वो पर यूनिट स्पेस निर्धारित होती है. ये दो तरह का होता है. पहला है क्रिम्प यार्न. मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग स्पेशल मेथड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय अप टू 200-300%, यानी कि स्पेशल मेथड द्वारा इसको बनाया जाता है. जो इसका वॉल्यूम है, आकार है, वो 200-300% तक बढ़ जाता है. इसके निर्माण विधि के अंतर्गत जो फिलामेंट यार्न है उसको क्रिम्प बॉक्स के अंतर्गत प्रेशर के द्वारा निकाला जाता है. इसमें सॉ लाइक दांते होते हैं जिसके अंदर जो धागा होता है वो फंसता है, खींचता है, जिससे कि धागे के सरफेस पर लू फॉर्म प्रोड्यूस होता है और इसके पश्चात इसे हॉट चैम्बर से निकाला जाता है. जब हम ये प्रक्रिया करते हैं, जब उस चैम्बर से निकालते हैं, तो उसमें कपड़े जो वॉल्यूम होता है धागे का वो उसमें लूप टाइप का हो जाता है, यानी कि क्रिम्प हो जाता है. जब हम इसको खींचते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है धागे का वो 200-300% तक बढ़ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है लूप टाइप बल्क यार्न. इन दिस टाइप ऑफ यार्न लूप इज फॉर्म. इस तरह के जो यार्न होते हैं उसमें लूप फॉर्म होता है, उसमें क्रिम्प बनता था, इसमें लूप बनता है. इसके अंदर का जो फिलामेंट यार्न है वो एक निश्चित प्रेशर पे, दबाव पे, एक नोजल के माध्यम से निकाला जाता है और कंटिन्यूअस इसमें हॉट एयर, गर्म हवा प्रवाहित की जाती है. जो यहाँ पर जो गर्म हवा प्रवाहित होती है उसके द्वारा कपड़े के सरफेस पर ही लूप फॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो एयर की स्पीड होती है उसके द्वारा लूप फॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है. तो लूप टाइप वो क्लियर हो गया होगा कि यानी कि इसमें लूप बनता है और जो फिलामेंट धागा होता है वो एक दबाव में, निश्चित दबाव में उस नोजल के द्वारा पास होता है जो कि कंटिन्यूअस इसमें गर्म हवा प्रवाहित की जाती है. गर्म हवा की जो स्पीड होती है वो लूप फॉर्मेशन के लिए सहायक होती है. नेक्स्ट आता है पार्शियली ओरिएंटेड यार्न, जिसे कि हम पॉयान कहते हैं. ये जो है इसे पॉलिस्टर प्री ओरिएंटेड यार्न भी कहा जाता है. ये पॉलिस्टर धागे द्वारा निर्मित होता है. इस मेथड के अंतर्गत पॉलिस्टर फ्लैग्स या चिप्स को स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा धागा तैयार किया जाता है. इसमें पॉय मेथड के अंतर्गत जो धागा होता है उसमें टेक्सचर प्रभाव उत्पन्न किया जाता है. सामान्यतः इस धागे का प्रयोग कपड़े की बुनाई में वार्प यार्न के लिए किया जाता है. नेक्स्ट है लेसेट यार्न. इस मेथड के अंतर्गत कॉटन, नायलॉन, लिनन, रेयन इत्यादि के अंतर्गत फाइन रबर यार्न को मिक्स करके तैयार किया जाता है. ऐसे यार्न को लेसेट यार्न कहा जाता है. एंड लास्ट है कोर यार्न. इट इज प्रिपेयर बाय स्पेशल स्पिनिंग प्रोसेस विथ पॉलिस्टर यार्न. पॉलिस्टर यार्न के द्वारा विशेष स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा यह धागा तैयार किया जाता है. फिलामेंट बेस यार्न ट्विस्टेड टुगेदर विथ स्टेपल फाइबर अराउंड द बेस यार्न. बेस यार्न के चारों तरफ जो फिलामेंट बेस यार्न है इसको स्टेपल फाइबर दोनों को साथ में मिलाकर इस धागे को तैयार किया जाता है. तो ऐसा धागा कोर यार्न कहलाता है. तो आप लोगों ने देखा कि धागे की निर्माण प्रक्रिया और निर्माण प्रक्रिया तथा उनको जो सिंगल धागे और कॉम्प्लेक्स धागे दोनों में क्या डिफरेंस है,
किस तरीके से हम उनके निर्माण प्रक्रिया यूज की जाती है और उनका प्रयोग किन किन तरह के वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। जहां हमने देखा कि सिंपल यार्न एक ही प्रकार के फाइबर से निर्मित धागे होते हैं, इन धागों का प्रयोग सामान्य तरह के वस्त्र के निर्माण के लिए किया जाता है। साथ ही इस तरह के धागे का प्रयोग मजबूती कपड़े को प्रदान करती है। वहीं दूसरी ओर जो कॉम्प्लेक्स और नॉवल्टी धागा है, ये वस्त्र की सुंदरता के लिए, आकर्षण युक्त बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस नॉवल्टी से जहां धागा विभिन्न डिजाइन और स्टाइल में प्राप्त होता है, तो इससे जो निर्मित कपड़े होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, वो वस्त्र भी कपड़े की सुंदरता के लिए अत्यंत सहायक होते हैं और वृद्धि होती है। तो ये रहे आप लोगों के यार्न, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न। थैंक यू वेरी मच।